Hello everyone, this is Shivam here and in today's video we are going to discuss about stability in organometallic compound. तो देखिए मैं already एक video upload कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो कौन कौन से topics हैं जो हमें cover करने हैं and जहाँ से इस chapter के question बनते हैं किसी भी entrance exam को लेकर, ठीक है. And उनमें से सबसे पहला जो topic था वो है stability को लेकर, क्योंकि सबसे पहले अगर organometallic compound को हमें जानना है तो ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा compound stable है, कौन सा compound stable नहीं है. तो आज की इस video में हम stability के बारे में ही पता करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो गिवन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है वो स्टेबल है या नहीं है, उसके लिए क्या क्या रूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं एंड उनकी वायलेशन क्या है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए हमें बात करनी है स्टेबिलिटी को लेकर एंड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के अंदर अगर स्टेबिलिटी मुझे जाननी है तो इसके लिए मेरे पास दो रूल है, ठीक है. दो रूल मेरे पास हैं जिसके थ्रू मैं स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकता हूँ. फर्स्ट वन इज ईएएन रूल एंड इसे क्या कहते हैं, इसे इफेक्टिव एटमिक नंबर रूल कहते हैं. एंड सेकेंड वन इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड इसे जो है ऑक्टेट रूल भी कहते हैं. एंड ईएएन रूल को जो है सिडविक रूल भी कहते हैं. अब सिडविक रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रूल जो है सिडविक ने दिया था, ठीक है. एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कंपाउंड ईएएन रूल को फॉलो करके स्टेबल होंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करके भी स्टेबल होंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक दोनों के दोनों जो फॉर्मूलाज हैं, दोनों के दोनों जो रूल्स हैं वो एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए हम सबको पता है कि हमारे पास जो पीरियडिक टेबल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स कौन से हैं, दैट इज नोबल गैस एलिमेंट, ठीक है. तो सिडविक रूल यही कहता है कि वो सभी के सभी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जिनका इलेक्ट्रॉन काउंट नोबल गैस कन्फिग्रेशन के इक्वल आ जाए वो सभी के सभी कंपाउंड क्या होंगे, स्टेबल होंगे. दोबारा सिडविक रूल ये कहता है कि वो सभी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जिनका इलेक्ट्रॉन काउंट नोबल गैस कन्फिग्रेशन के इक्वल आ जाए वो कंपाउंड क्या होंगे, स्टेबल होंगे. यानी कि हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है उसका इलेक्ट्रॉन काउंट किसके इक्वल आए, 2, 10, 18, 36, 54 या फिर 86, क्योंकि नोबल गैस कन्फिग्रेशन में के जो एटमिक नंबर हैं वो तो यही है ना. तो ये सभी वो सभी कंपाउंड जिनका इलेक्ट्रॉन काउंट इनमें से किसी एक के इक्वल हो वो कंपाउंड क्या होंगे, स्टेबल होंगे. एंड हमें पता है ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इतना कम इलेक्ट्रॉन काउंट का जो कंपाउंड है वो हम इसके थ्रू फाइंड आउट मतलब बनता ही नहीं है अगर हम ई एन रूल को अप्लाई करें तो. 36 से हमारे पास स्टार्ट होते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में. तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये कहता है कि वो सभी कंपाउंड जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, ध्यान देना दोनों में फर्क क्या है, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किसके इक्वल आ जाए, 18 के इक्वल आ जाए, वो कंपाउंड सभी के सभी स्टेबल होंगे, ठीक है. तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू. मान लो मेरे पास है NiCO4, ये मेरे पास कंपाउंड है एंड मुझे बताना है कि ये कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है. तो देखिए क्या करना है मुझे, पहले मैं एक बार EAN रूल लगा देता हूँ एंड एक बार मैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगा देता हूँ. तो EAN रूल लगाने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि एटमिक नंबर ऑफ मेटल प्लस में इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये मेरे पास फॉर्मूला है EAN रूल के लिए. अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर मुझे लगाना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल बाकी सभी सारा का सारा सेम है, प्लस में इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है. तो दोनों में फ़र्क क्या है रूल में, सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे हम एटमिक नंबर लेते हैं मेटल का, लेकिन यहाँ पे जो है मेटल का के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, ठीक है. ये इन दोनों में फ़र्क है. अब बात करते हैं हम एग्जांपल की. एग्जांपल में हमारे पास मान लीजिए NiCO4 है, एक बार इसको हम EAN रूल के थ्रू अप्लाई करेंगे, एक बार इसको हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू अप्लाई करते हैं. तो फॉर्मूला क्या था, एटमिक नंबर ऑफ मेटल, निकल का एटमिक नंबर कितना है, 28 है, प्लस में इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड,
जो एक कार्बोनिल होता है वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करता है, तो चार कार्बोनिल है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एट इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज है कोई, कोई भी चार्ज नहीं है तो जीरो, तो ये किसके को लागे 36, एंड 36 क्या है, एक नोबल गैस एटॉमिक नंबर है, यानी कि ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। अब बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो उसमें क्या फॉर्मूला था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, तो निकल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, क्योंकि कन्फिग्रेशन क्या होता है हमारे पास 4F2 3D8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमारा कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट होता तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, S+D के, ठीक है, तो 10 ये हो गया हमारे पास। प्लस में इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, एक कार्बोनिल दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो चार कार्बोनिल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 18, तो यानी कि हमारे पास NiCO का होल फोर जो है वो स्टेबल कंपाउंड है, चाहे मैं उसको EAN रूल के थ्रू फाइंड आउट कर लूँ, चाहे मैं उसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू फाइंड आउट कर लूँ। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की, लिमिटेशन क्या है इसकी, देखिए लिमिटेशन भी होती है इन कंपाउंड की, कंपाउंड इन रूल की लिमिटेशन क्या है, पहली तो ये है कि ये फॉर्मूलाज दोनों के दोनों, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ हम उन कंपाउंड की स्टेबिलिटी बता सकते हैं इन रूल के थ्रू जिनके अंदर पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट होंगे, जिनके अंदर पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट होंगे, हम इस इन फॉर्मूलाज के थ्रू सिर्फ उन्हीं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं, यानी कि अगर मेरे पास सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है तो वो स्टेबल है या नहीं है उसके बारे में मैं इसमें इस फॉर्मूले के थ्रू नहीं बता सकता। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि इसका रीज़न क्या है कि हम सिग्मा डोनर की स्टेबिलिटी नहीं बता सकते, तो देखिए बात ऐसी है कि ये दोनों रूल जो है काफ़ी पुराने हैं, एंड उस टाइम पे काफ़ी रेयर हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट थे, एंड जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट थे उसमें कौन से लिगेंड प्रेजेंट हुआ करते, पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो है प्रेजेंट हुआ करते, तो हम उस टाइम पे रूल ही कुछ इस टाइप का बनाया गया कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं वो स्टेबल हो रहे थे इस रूल के थ्रू, तो इसलिए जो है ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही रूल अप्लाई होते हैं, सिग्मा डोनर की स्टेबिलिटी हम इस रूल के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सेकंड बात, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिन जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उसके बावजूद वो कंपाउंड क्या है, स्टेबल है, ठीक है, तो हमारे पास अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंपाउंड कौन से हैं जो कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं फिर भी स्टेबल हैं। सभी ऐसे नहीं है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं कि सभी के सभी जो भी 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे वो सभी के सभी स्टेबल होंगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वेयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वेयर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स ही अगर हमारे पास गिवन है एंड तो वो ये दोनों कॉम्प्लेक्स ही हमारे पास जो है 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं स्टेबल होंगे। मान लो मेरे पास कोई ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है एंड वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो वो स्टेबल नहीं होगा, ये बात आई समझ में, यानी कि स्क्वेयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वेयर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स ही सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं एंड वो स्टेबल होते हैं। अगर कोई मेरे पास ऑक्टाहेड्रल है या फिर टेट्राहेड्रल है या फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ये तीनों के तीनों क्या फॉलो करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ही फॉलो करते हैं। अगर मेरे पास कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है एंड उसका इलेक्ट्रॉन काउंट 16 इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ रहा है तो वो स्टेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल तभी होगा जब वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा होगा। तो ये हमारे पास इन कंपाउंड की दो लिमिटेशन है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने वाले कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हमारे पास हैं, ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए कुछ एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ही है जिनके ऊपर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि हमारे पास जीजस सोल्ट हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास वेस्कास कॉम्प्लेक्स हो गया, इनके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, तो आप इनको जो है एक अलग से एक पेज पे नोट कर लेना ताकि आपको पता चले कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो एक बार इनके फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास KPtCl3C2H4, ठीक है, ये तो हमारे पास होता है जीजस सोल्ट, एंड वेस्कास कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बताऊँ तो ये होता है IRCOCl PPH3 का होल ट्वाइस, ये हमारे पास होता है वेस्कास कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करते हैं हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों ही नेम, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्टली ही क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, या फिर इनमें से हमारे पास चार कंपाउंड गिवन होंगे तो बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा होगा एंड स्टेबल भी होगा। सभी के सभी हमारे पास कंपाउंड जो गिवन कंपाउंड होंगे वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा वो पहचानने वाली बात है, अब पहचान वो पाएगा जिसने नाम पढ़ रखे होंगे, ठीक है, तो ये थी हमारे पास, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि हमें निकाल के तो दिखाओ कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के, आपने तो सिर्फ NiCO का होल फोर वाला एग्जांपल दे दिया,
कोई और एग्जांपल तो लेके बताओ। चलो अभी मैंने आपको जीजस सोल्ट का एग्जांपल दिया है, क्या था वो, के पी टी सी एल थ्री सी टू एच फोर, हमारे पास ये है जीजस सोल्ट, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि ये स्टेबल है या नहीं है, तो सिर्फ वही वही लोग इसको स्टेबल बता पाएंगे जिनको ये पता होगा कि ये एक स्क्वेयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है, जिनको ये पता होगा कि ये एक स्क्वेयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है, एंड इसकी स्क्वेयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये क्या फॉलो करेगा, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, सिर्फ वही इसको स्टेबल कंपाउंड के तौर पर टिक करके आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलो अब इसको लगाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, या फिर कहें 16 इलेक्ट्रॉन रूल, कि स्टेबल है या नहीं है। प्लैटिनम है हमारे पास, प्लैटिनम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर, 10, क्योंकि ये D8 सिस्टम का हमारे पास पार्ट होता है। अब हमारे पास आते हैं क्लोरीन, एक क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर शेयर करता है अपना, तो तीन क्लोरीन तीन डोनेट करेंगे। C2H4 है हमारे पास, अल्कीन है, अल्कीन हमारे पास जो है दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एंड चार्ज मैंने लिखा था प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहाँ पे अगर मैं पोटेशियम लगा दूं तो पोटेशियम हमारे पास क्या है, एज ए काउंटर आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या है, पोटेशियम अटैच्ड है, यानी कि पोटेशियम एज अ काउंटर आयन यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक माइनस वन चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वन। माइनस वन का क्या मतलब है, इस कॉम्प्लेक्स ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, अब एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो तो मैं ऐड ही करूंगा ना, प्लस वन होता यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं वो प्लस मतलब वो चार्ज को क्या करता, माइनस करता। तो अब मैं इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 16, एंड ये हमारे पास क्या है, स्टेबल एक कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं बात करता हूँ, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल हमारे पास है K4FeCN का होल 6, ठीक है, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है एंड हमें बताना है कि ये स्टेबल है या नहीं है। तो पहली बात तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। दूसरी बात मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि अगर ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है तो इसकी स्टेबिलिटी मैं कैसे बता सकता हूँ, या तो EAN रूल लगा के बताऊँ, या फिर मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगाऊंगा, ठीक है, या फिर इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन रूल लगाऊंगा। तीसरी बात इसमें यह पहचाननी पड़ेगी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 लिगेंड प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, एक ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यानी कि क्या फॉलो कर रहा होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, अगर फॉलो करेगा मतलब तभी ये स्टेबल होगा। तो ये तीन बात आपको पहचाननी पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो चलो अब करके देखते हैं, आयरन है, आयरन की कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 4F2 3D6, यानी कि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो गए, 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइनाइड, एक साइनाइड जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 6 साइनाइड है तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम 4, एक पोटेशियम यानी कि एक नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है, तो 4 पोटेशियम प्रेजेंट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट होगा, माइनस 4 चार्ज प्रेजेंट होगा। माइनस 4 का मतलब क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एंड 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो यानी कि इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 4 करेंगे। अब इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ मैं तो क्या आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से आपको जो है स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसी भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के बारे में। एंड अब जैसे कि हमने देखा कि एक EAN रूल है एंड एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, दोनों रूल सेम है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन लोग जो है ज़्यादातर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू इसकी कुछ एप्लीकेशन जो है उसको फाइंड आउट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी टाइप की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जो मेरी इंस्टाग्राम आई डी है वो है shivam898, ठीक है, यहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।